तो हाय फेलोज जेंगुइड, सो गाइस फाइनली हम लोग जिस चीज की इतने दिनों से वेट कर रहे थे, M5 रॉयल पास के 1 RP से 50 RP तक के ऑफिशियल रॉयल पास लीक्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ ऑफिशियल ट्रेलर भी देखेंगे M5 रॉयल पास का, काफी बढ़िया है। तो चले यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग देख सकते हो M5 रॉयल पास का ऑफिशियल ट्रेलर। तो गाइस ये ट्रेलर काफी ज्यादा बढ़िया था। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसा लगा, लेकिन ये तो शुरुआत थी। अभी हम लोग देखते हैं एक्चुअल लीक्स। रैंक 1 पे हमें मिलेगा लीथल क्रिस्टल सेट। आप लोग देख सकते हो ये एक पिंक एंड व्हाइट कलर की आउटफिट है, जो कि अगर देखें हम लोग फीमेल के ऊपर काफी पतली लग रही है। ये मुझे काफी छोटी आउटफिट लग रही है, लेकिन अगर लंबाई में बोलूँ तो छोटी नहीं है, लेकिन वैसे काफी श्रिंक टाइप की आउटफिट लग रही है। लेकिन यही आउटफिट अगर हम मेल पे यूज करेंगे तो मुझे लगता है काफी बढ़िया लग सकती है। फिलहाल आप लोगों को पहला रिवॉर्ड कैसा लगा M5 रॉयल पास का मुझे बताना। एंड सेम लेवल पे हम लोगों को गार्डियन M4-7 की स्किन भी मिल जाएगी, जो कि गोल्डन एंड पर्पल कलर की स्किन रहने वाली है। पहली बार मेरे हिसाब से M4-7 की स्किन हमें रॉयल पास के अंदर मिल रही है, एंड बहुत ही कम लोगों के पास इसकी स्किन भी रहने वाली है, तो एक अच्छी चीज है क्योंकि एक नई चीज मिलती है। एंड थैंकफुली हम लोग ये तो कह सकते हैं कि इन्होंने फिर से ऑक वगैरह नहीं दी। उसके बाद आप लोग बीच के छोटे मोटे रिवॉर्ड देख सकते हो। देन आता है रैंक 5 पे, जहाँ पे मिलेगा लीथल क्रिस्टल कवर। तो ये वाला इस आउटफिट का ही पार्ट है, एंड ये वाले आउटफिट मुझे काफी हद तक लग रहा है जैसे कि लीग ऑफ लेजेंड्स एंड इन टाइप पे ही बेस्ड है, क्योंकि उनके कैरेक्टर इस टाइप के होते हैं। देख सकते हो आप लोग इसके ग्रीन कलर के बाल, एंड इसने ऊपर जिस तरीके का हेडगियर पहना हुआ है, तो ये हम लोगों की यहाँ पे पूरी आउटफिट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं, रैंक 5 पे हमें एक और चीज मिलने वाली है, लीथल क्रिस्टल मास। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रैंक 5 पे हमें दो रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। मेरे सबसे फर्स्ट टाइम होगा जहाँ पे हमें दो रिवॉर्ड मिलेंगे एक रैंक 5 के ऊपर, तो काफी बढ़िया ये चीज है। एंड आप लोग देख सकते हो जोकर टाइप का मास्क, एंड काफी ज्यादा बढ़िया और खतरनाक टाइप का लग रहा है। आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि ये जो पहली आउटफिट आपको पूरी मिलने वाली है कैसी लगी। इसके बाद बीच में छोटे मोटे रिवॉर्ड्स हैं, फिर आता है हमारा हैशटैग क्रिस्टल बैकपैक। आप लोग देख सकते हो बैकपैक की स्किन हमें इसी बार मिल जाएगी रैंक 5 के रॉयल पास के अंदर, M5 के रॉयल पास के अंदर। काफी सही चीज है, एंड ये भी बिल्कुल उसी टाइप का मुझे लग रहा है जैसे एशियन टाइप का इसको लुक दिया गया है। बीच के अंदर कोई बड़ा सा डायमंड लगाया हुआ है, तो काफी सही है, अच्छा लग रहा है। इसके बाद भी कुछ छोटे मोटे रिवॉर्ड्स हैं, एंड देन उसके बाद रैंक 15 पे हम लोग का अवतार मिलेगा, एंड जो इस पर ओर्नामेंट मिलने वाला है, एक बार आप लोग चेक करो क्या मस्त ओर्नामेंट है यार, मतलब बिल्कुल डायमंड टाइप का, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड इसके अंदर ये लोग एक और चीज डाल देते हैं ना कि इसके अंदर शाइनी टाइप का लुक होता, और तो ये इसका जो कलर है हल्का सा ये लोग थोड़ा कम कर देते, बहुत बढ़िया लग रहा था। एंड आप लोग यहाँ पे स्ट्रेंज वेव इमोट्स भी देख सकते हो, मैंने आपको बताया था ये वाला हमें फ्री में मिलेगा, एंड एक्चुअल में ये फ्री में आ भी चुका है। रैंक 15 पे हमें ये बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। रैंक 20 पे हमें कुक फ्रेश नाम से एक स्लॉट की स्किन मिलने वाली है। आई होप मैंने नाम सही से प्रोनाउंस किया, या फिर हो सकता है गलत भी किया हो, बट आप लोग देख सकते हो नाम इसका। तो ये एक ताश के पत्तों वाली स्लॉट रहने वाली है, जो कि बिल्कुल ही इनोवेटिव चीज है। कहना पड़ेगा कि M5 के रॉयल पास में चीजें अलग अलग टाइप की मिल रही है कुछ, जो कि जनरली हम लोगों ने गेम के अंदर पहले नहीं देखी है, तो काफी सही चीज है। बताना मुझे आपको ये भी कैसी लगी। रैंक 25 पे हम लोगों को एक फ्री आउटफिट मिलने वाली है, जिसका नाम है पॉली मैट आउटफिट। आप लोग देख सकते हो ब्लैक कलर की एक आउटफिट है, एंड एक्चुअली बताओ फ्री आउटफिट के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके आप लोग कितने एक्साइटेड हो इसके लिए, क्योंकि फ्री आउटफिट है, एंड लुक वाइज अगर मैं बोलूँ काफी अच्छी लग रही है। इसने गले में मफलर डाला हुआ है, पीछे मतलब एक बैग टांगा हुआ है, एंड इधर जो मैप से भी टांगा हुआ है, तो लगता है कहीं एना का भाई कोई ना हो ये भी, तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, बट ये आउटफिट अगर मैं बताऊँ तो अच्छी है। रैंक 30 पे आती है कमाल की चीज, जो कि है प्लेन की स्किन, एंड कहना पड़ेगा कि M5 रॉयल पास के अंदर प्लेन बहुत ही बढ़िया आने वाला है। आप लोग एक बार लुक चेक करो गाइस, अमेजिंग, सीरियसली बोल रहा हूँ अमेजिंग। जो लास्ट टाइम प्लेन आया था ना, उससे लाख गुना बढ़िया है, एंड बहुत ज्यादा इसका लुक अच्छा लगने वाला है गेम के अंदर। आप लोग मुझे बताने कैसा लग रहा है, एंड ये पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे एशियन टाइप में वो स्नेक्स वगैरह होते थे ना, आपने अगर मूवीज वगैरह देखी है तो आपको पता होगा, तो भाई मतलब कुछ उसी टाइप का मुझे लुक लग रहा है। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो हमारा वैनगार्ड इमोट। यार कहना पड़ेगा कि ये इमोट एक्चुअली मिथिक होने के लायक भी है, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया कि जो लास्ट वाला सीजन था बिल्कुल ही बेकार चीज थी, मतलब उसमें कहना पड़ेगा आप भी मानोगे कुछ ज्यादा
कुछ खास ही नहीं था, लेकिन इस बार जो चीजें दी है ना आउट ऑफ द बॉक्स दी है रॉयल पास के अंदर, एंड मुझे एक एक चीज बहुत अच्छी लग रही है। एंड दूसरी खुशखबरी कि इन्होंने जो हैकर्स थे गेम से उनको भी रिमूव कर दिया, तो यार मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। एंड मुझे लगता है जो ये सीजन होने वाला है ना ये पूरा गेम को रिवाइव करेगा फिर से, एंड बहुत ही बढ़िया चीजें होने वाली है। रैंक 35 पे हमें एक फ्री गन की स्किन मिलेगी, एशियन स्टैच्यू, आप लोग देख सकते हो। ये एक फ्री शॉट गन की स्किन रहने वाली है, डबल शॉट गन कहते हैं ना इसको, तो ये वाली स्किन रहने वाली है, पहली बार आ रही है मुझे लगता है ये वाली भी। इससे पहले गेम के अंदर इसकी बहुत ही लिमिटेड स्किन थी, एक गोल्डन वाली थी एंड एक व्हाइट वाली स्किन थी, तो उस हिसाब से देखें फ्री में ठीक है। भाई मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो गया पबजी वालों को, बीजीएमआई वालों को, लग रहा था हम लोगों को कि ये जो कार राइटेड की स्किन है ना ये जाएगी हमारे आरपी ग्रेड्स में, लेकिन इन्होंने दे दिया पेड रॉयल पास में। रैंक 40 में हमें मिलेगी गार्डियन कार 98 की स्किन, मतलब एक एमके की स्किन मिलेगी और दूसरी मिलेगी कार 98 की स्किन, एक नंबर रॉयल पास होने वाला है। मुझे लगता है जितने रॉयल पास आज तक आए गेम में उन सब में सबसे बढ़िया ये होने वाला है, देख सकते हो आप लोग ये वाली रॉयल पास की स्किन। अब आप लोग रैंक 50 में हमारी 50 आरपी आउटफिट देख सकते हो, जिसका नाम है वैनगार्ड कवर एंड वैनगार्ड आउटफिट, आप लोग देख सकते हो ये पूरी की पूरी आउटफिट कैसी लगने वाली है। आउटफिट अगर मैं बताऊं तो मुझे ठीक लगी, मैं ये नहीं कहूंगा बुरी लगी है, ये नहीं कहूंगा अच्छी, बहुत ज्यादा ही लगी है, ठीक लगी है, लेकिन अगर मैं आउटफिट को एक बार साइड में रख के पूरे रॉयल पास को देखूं ना मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा ये रॉयल पास। एंड कहना पड़ेगा कि इस बार लगता है यार न्यू स्टेट के डर में या फिर जिस वजह से भी इन लोगों ने जो रॉयल पास है बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनाया, एंड हमें सही में इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। गाइस अभी ऐसी और भी काफी कमाल की लीक्स आने वाली है जो मैं नहीं चाहता आप लोग मिस करो, तो मेक श्योर चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो।